रामगढ़ गांव में रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। रोहन बहुत मेहनती था, लेकिन सोहन कोई काम नहीं करता था और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ जाता था। एक दिन, भाई अब तो परिवार भी बढ़ रहा है, अब उनके लिए घर बनाना पड़ेगा। हाँ यार, कहता तो सही रहा है, लेकिन करें क्या। भाई एक काम करते हैं, जमीन ले लेते हैं और उस जमीन पर खेती करते हैं। अनाज का अनाज होगा और फायदा भी होगा। हाँ तू सही कह रहा है, चल साहूकार अमीर चंद के पास चलते हैं और जमीन का भाव पता करते हैं। दोनों मिलकर साहूकार के पास जाते हैं। साहूकार जी, हमें 1 बीघा जमीन खरीदनी है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है, जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हो। साहूकार जी, अभी तो हम बस जमीन देखने और जमीन का दाम पूछने आए हैं। अमीरचंद जी, क्या दाम है? 10,000 रुपए में मिल जाएगी जमीन। अमीरचंद जी, बहुत महंगी है जमीन तो। महंगी है तो कहीं और से ले लो। चलो चलो, अब जाओ यहाँ से। अमीरचंद की ये बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। सोहन, जमीन तो बहुत महंगी है, अब क्या करेंगे हम? इतने पैसे तो है ही नहीं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, दोनों पैसे मिलाकर उस जमीन को ले लेते हैं और दोनों मेहनत करेंगे और जो भी फायदा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ यार, सही कह रहा तू, ऐसा ही करते हैं। ठीक है तो कल चलते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त जाते हैं और अमीर चंद से वो जमीन खरीद लेते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस अब जमकर मेहनत करनी है। तू चिंता मत कर, भगवान सब अच्छा करेंगे। क्यों ना हम आज से ही काम पर लग जाएं? एक काम करो, तुम जाओ, मैं भगवान से प्रार्थना करके आता हूँ। रोहन जाता है और खेतों को जोतने लगता है और इधर सोहन भगवान की पूजा करने लगता है। और शाम को जब रोहन वापस आ रहा होता है तो उससे कहता है, अरे रोहन तू चिंता मत कर, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, आज मैंने पूरे खेतों को जोत दिया है, बस अब उसमें बीज बोना है। चल जा, तू भी आराम कर ले, मैं भी फिर कर लेता हूँ। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। और अगले दिन रोहन सोहन के घर जाता है। चल सोहन, बाजार चलते हैं और बीज ले आते हैं। तुम जाओ, मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खेतों पर ही मिलूंगा। रोहन बाजार जाता है और बीज लेकर वापस खेत पर आ जाता है, लेकिन उसे सोहन वहाँ नहीं मिलता और वो बीज बोकर वापस आता है और सोहन से पूछता है, तुम खेतों पर क्यों नहीं आए? वो मैं भगवान की पूजा कर रहा था। सोहन इसी तरह भगवान की पूजा करता रहता था और रोहन खेतों में मेहनत करता रहता था। बहुत दिन बीत गए और खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। इतनी अच्छी फसल देखकर दोनों बहुत खुश हुए। वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ, सब भगवान की देन है। तुम एक काम करो, आज से ही कटाई शुरू कर दो। मैं अभी इतनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर आता हूँ। रोहन कटाई शुरू कर देता है और थोड़े ही दिन में पूरी कटाई हो जाती है। चलो, कटाई तो हो गई, अब इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। बराबर बराबर क्यों? मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे फसल का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने तो दिन रात भगवान की प्रार्थना की है, इसलिए फसल का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात लड़ाई तक पहुंच जाती है और इंसाफ के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुखिया जी भी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें एक उपाय सूझता है और वो अपने गोदाम से 2 चावल की बोरियां मंगाता है। ये लो, तुम इन बोरियों से सारे कंकड़ साफ करके कल सुबह वापस आना और जो भी ये काम पहले कर लेगा उसे ही फसल का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मुखिया जी, हम यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं, आपसे काम मांगने नहीं, आप इंसाफ करिए। पहले ये करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। रोहन और सोहन उस बोरी को उठा कर ले आते हैं
रोहन पूरी रात जागकर उस चावल से कंकड़ निकालता है। इधर सोहन भगवान की पूजा करता है और सो जाता है। पूरी रात जागने की वजह से सुबह रोहन की आंख लग जाती है और वो सोता रह जाता है। इधर सोहन तैयार होता है और मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। देखो मुखिया जी, मैं आ गया। तुम चावल साफ करके आए हो या बस ऐसे ही आ गए? मुखिया जी, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, अब तक तो सारे चावल साफ हो गए होंगे। अच्छा अच्छा, रोहन कहाँ है? अभी तक आया नहीं। लगता है अभी तक उसके चावल साफ नहीं हुए। अब तो इस फसल का हिस्सा मुझे ही मिलेगा। शांत हो जाओ, हम बिना इंतजार किए कोई भी फैसला नहीं ले सकते। थोड़ी देर बाद। मुखिया जी, अब तो बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक रोहन आया नहीं। हाँ सच में, अब तो बहुत देर हो गई है। मुखिया जी, उस आदमी ने तो आपकी बात की भी इज्जत नहीं की। उस आदमी की ये बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, इस गलती की उसे सजा मिलेगी, चलो उसके घर। सब लोग उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि रोहन गहरी नींद में सोया हुआ है और वहाँ रखे सारे चावल साफ हैं। ये देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। तभी रोहन की आंख खुल जाती है और वो उन सब को देखकर जल्दी से उठता है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैंने पूरी रात चावल साफ किए थे जिस वजह से मेरी आंख लग गई और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुमने इस चावल को साफ करने के लिए पूरी रात मेहनत की है, इसलिए इस फसल में ज्यादा हिस्सा तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन मुखिया जी, ये तो अन्याय है, मैंने तो भगवान की आराधना की थी। जाओ देखो तुम्हारे चावल साफ हुए हैं। सोहन भागा भागा जाता है। इधर रोहन की मेहनत को देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सोहन वहाँ आता है और सोहन को देखकर मुखिया जी कहते हैं, क्या हुआ सोहन? मुखिया जी, चावल तो साफ नहीं है, लेकिन मैंने तो भगवान की इतनी प्रार्थना की थी, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोहन, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। सोहन को मुखिया जी की बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। अब वो भगवान की प्रार्थना के साथ साथ मेहनत भी करने लगा।